देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस खास रिपोर्ट की, जहां बिहार में अपनी राजनीति का लोहा मनवाने वाले और विपक्षियों को नाकों तले चने चबवाने वाले तेजस्वी यादव ने अपनी मेहनत के पसीने से राजनीति की फसल को सियासत के पटल पर लहराया है। उनकी सियासी सफर की शुरुआत बेहद दिलचस्प तरीके से हुई, क्या रहे हैं कारण देखिए। तेजस्वी प्रताप यादव क्रिकेटर से बने डिप्टी सीएम, विराट कोहली की टीम में थे तेजस्वी। तेजस्वी के राजनीतिक करियर की कैसे हुई शुरुआत। 2010 में तेजस्वी ने शुरू की राजनीतिक पारी। बिहार की राजनीति में यूं तो कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने अपने काम से राजनीति में एक अलग जगह बनाई है, लेकिन कम उम्र में राजनीति की पैनी समझ रखने वाले नेता तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को गोपालगंज बिहार में हुआ था। तेजस्वी यादव एक ऐसे नेता हैं जिनकी मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद यादव दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू यादव कुल 7 भाई बहने हैं। तो अब आपको लालू यादव के बच्चों के बारे में बताते हैं। लालू के 9 बच्चे हैं जिनमें से 7 लड़कियां और 2 बेटे हैं, और इन सब में सबसे छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं। घर में सबसे छोटे हैं तो सबके लाडले भी हैं। लालू यादव के 9 बच्चों के बारे में आपको बताते चलें। मीसा भारती, लालू और राबड़ी देवी के बच्चों में सबसे बड़ी मीसा भारती हैं। मीसा की शादी है, मीसा राज्यसभा की सांसद हैं। उन्होंने महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है। लालू की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य, रोहिणी भी राजनीति में काफी सक्रिय रहती है। रोहिणी की शादी हो गई है। चंदा, लालू राबड़ी की तीसरी बेटी चंदा भी काफी पढ़ी लिखी है। चंदा ने पिता की तरह LLB की पढ़ाई की है। चंदा की शादी 2006 में हो गई। रागिनी यादव, लालू राबड़ी की चौथी बेटी रागिनी यादव हैं। रागिनी इंटर पास हैं। रागिनी की शादी 2012 में कर दी गई। हेमा यादव, लालू की 5वीं बेटी का नाम हेमा यादव है। हेमा ने BIT कॉलेज से BTech की पढ़ाई की है। हेमा का दाखिला मुख्यमंत्री कोटे से हुआ था। हेमा की शादी हो चुकी है। धन्नू उर्फ अनुष्का राव, लालू राबड़ी की 6वीं बेटी धन्नू उर्फ अनुष्का राव हैं। अनुष्का की शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव के साथ हुई। राजलक्ष्मी यादव, लालू यादव राबड़ी की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव हैं। राजलक्ष्मी की शादी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के पोते तेजस्वी प्रताप यादव से हुई। तेज प्रताप भी सक्रिय राजनीति में है, सांसद भी रह चुके हैं। वहीं राजलक्ष्मी ने स्नातक की पढ़ाई की है। तेज प्रताप भाइयों में सबसे बड़े तेज प्रताप ही हैं। तेज प्रताप ने इंटर तक की पढ़ाई की है। तेजस्वी प्रताप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव, अब बात करते हैं सबसे छोटे और लाडले बेटे का। तेजस्वी यादव ने 8वीं तक की पढ़ाई की है। तेजस्वी यादव की शादी की कुछ ही साल बीते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की 8 दिसंबर 2021 को दिल्ली में अपनी स्कूल दोस्त से शादी के बंधन में बन गए थे। तेज की दुल्हनिया हरियाणा की रहने वाली हैं और क्रिश्चियन समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। तेज क्रिकेट में ही करियर बनाना चाहते थे। राजनीति में आने से पहले वे क्रिकेटर थे। तेजस्वी झारखंड की तरफ से एक रणजी मैच भी खेले थे। इस दौरान दिल्ली अंडर-19 टीम में तेजस्वी भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ थे। IPL में भी उनका चयन हुआ था। तेजस्वी झारखंड की तरफ से एक रणजी मैच खेल चुके हैं। दिल्ली अंडर-19 टीम में तेजस्वी भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ थे। 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने उन्हें खरीदा था। हालांकि IPL के दौरान उन्होंने मैदान में खेलने का मौका नहीं मिला। जब खेल में कुछ खास नहीं कर पाए तो वे राजनीति में उतर आए। तेज अपनी तेजी सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि वो अब राजनीति में भी दिखाना चाहते हैं। उन्होंने राजनीति में पैर जमाया और आगे बढ़ गए। 2010 से राजनीति में उतर आए। तेजस्वी को भले ही क्रिकेट में शोहरत नहीं मिली, लेकिन बिहार की सियासत में राजद नेता तेजस्वी यादव एक मंजे हुए खिलाड़ी की पारी खेल रहे हैं। तेजस्वी ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े राजनेता नहीं कर पाए। एक झटके में उन्होंने भाजपा के हाथों से एक राज्य छीन लिया।
राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से साल 2015 में तेजस्वी ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लालू यादव के जेल में रहने के कारण 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में राजद के चुनाव की कमान तेजस्वी ने संभाली। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने पर सबसे पहले युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया। चुनाव में राजद ने शानदार प्रदर्शन किया। राजद प्रमुख लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने अगस्त 2022 में दूसरी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने। इससे पहले 2015 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। राजनीतिक करियर में तेजस्वी ने शानदार भूमिका अदा की है। तेज ने कई बार मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने बजट के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हमको बुड़बक मत समझिए, हम सारी चीजें जानते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से झूठे वादे किए गए हैं। तेजस्वी ने कहा, एक काम नहीं हुआ, बिहार को सलबट्टा सन्नाटा मिला है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जेडीयू ने एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया है। मामले पर भी तेज पीछे नहीं रहे, बल्कि आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी थी। भाजपा पर तन कसते हुए बोले कि सरकार बन गई है, अब सभी को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी प्रताप ने कहा कि जनता चाहेगी तो भाजपा का 2 मिनट में बुखार छुड़ा देगी। मंत्री पद के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा था कि जो जिम्मेदारी मिलेगी स्वीकार करेंगे। तो कोई एक बार नहीं जब तेज ने मोदी पर तंज कसा हो। इससे पहले जब भारत में मोदी जी चीता लाए थे तब तेज प्रताप यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि जब से हम पर्यावरण डिपार्टमेंट संभाले हैं तो नरेंद्र मोदी को भी दिमाग में आ गया कि तेजस्वी प्रताप की तरह हमको काम करना चाहिए। और तंज यही खत्म नहीं होता। तेजस्वी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इससे पहले बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार छिड़ी थी। इस तकरार पर जब तेजस्वी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी सीएम बनने की कोई हड़बड़ी नहीं है, मेरा मेन मकसद है 2024 में बीजेपी को भगाना। हम उस मकसद पर लगातार काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि भाजपा एक भी सीट नहीं जीते। महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्या आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी को करारा झटका दे पाएंगे या नहीं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से क्रिकेट में फेल हुए तेजस्वी यादव की आज राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत है कि वो आज बिहार की कमान को भी संभालते हुए नजर आए। तो हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।